उज्जैन के चिंतामन थाना क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत आगसोदा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, जिसमें चोर करीब 15 क्विंटल शासकीय गेहूं, शक्कर, दाल और अन्य शासकीय सामान चोर कर ले गए। राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन के तहत और इस शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर बड़ी संख्या में स्थानीय रवासी अपना राशन लेने के लिए पहुंचते हैं, पर चोरों के हौसले इस कदर बड़े हुए हैं कि चोर शासकीय ठिकानों पर भी चोरी की वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आकाशोदा गाँव में बीचों बीच में मौजूद शासकीय उचित मूल्य की दुकान में से चोर करीब 15 क्विंटल शासकीय गेहूं, शक्कर, दाल और अन्य शासकीय सामान चोर कर ले गए। अब जब शासकीय दुकानों में ही चोर निडर होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे देंगे तो फिर आम नागरिक का क्या होगा और वह अपने आप को कैसे सुरक्षित मान पाएगा? उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चोरों ने शासन के निर्देश अनुसार 10 किलो प्रति छात्र प्राथमिक और 15 किलो प्रति छात्र मूंग मिडिल स्कूल वाले को देना था। अब सुबह आते हैं, देखते हैं 9:30 बजे वो चैनल गेट का ताला टूटा हुआ पड़ा है। अंदर जो दूसरा जो गेट है उसका भी ताला टूटा हुआ है। अंदर नपूचे में अंदर हमने एक अंडरग्राउंड लॉक लगाया था, वो भी जो है निकल के तोड़ के न तो उसने चोरी देखा। हमने स्टॉक मिलाया, करीब 15 क्विंटल गेहूँ गए हैं। चने की कट्टी जो है काले कलर की थी आंगनवाड़ी वाली, 50 किलो हो गया है। 23 किलो मूंग गया है इस प्रकार से जो है, और शक्कर करीब 18 किलो। करीब करीब कितने लागत की चोरी लग रही है? कितने? करीब 19-20 हज़ार के आसपास का जो है करीब। हमने गेहूँ तो ज़्यादा हो रहा है ना सर? वो क्या है कि छोटा वहाँ गए थे बैंक वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।